हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको थाल पोस्ट दो कलर का दिखा रहे हैं। देखिए, उसमें हम हमेशा हम गोल से राउंड से स्टार्ट करते हैं और उसको ऐसे बड़ा करते करते जितना बड़ा हमको बनाना है हम बना लेते हैं, लेकिन ये हम लंबाई में स्टार्ट करेंगे। ये हमने ग्रे और पिंक कलर दो रंग की ऊन ली है। ये बेबी ऊन है ताकि ये सॉफ्ट रहे, देखने में भी सुंदर लगता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में पहले मिलती रहे। ज्योतिष क्रिएशन में आपका वापस से स्वागत करती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने यहाँ से इसको ऐसे राउंड, जो हम मैजिक गांठ हमेशा डालते हैं उसी तरह यहाँ से एक मैजिक गांठ डाल ली है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको डालेंगे। देखिए, जैसे भी हम हमेशा डालते हैं ऐसे ही हम इसको एक मिनट। देखिए, यहाँ से भी हम इसको डालेंगे। पहले हम यहाँ से इसको चेन डाल लेंगे और यहाँ से थोड़ी सी इसको टाइट कर लेंगे। अब हम यहाँ से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस चेन हमने इसमें देखी डाल ली। पैंतीस चेन के बाद अभी हम इसको यहाँ एक लाइन स्लिप स्टिच की डालेंगे। ये देखिए, यहाँ से एक लाइन पूरी ऐसे ही हम स्लिप स्टिच की डाल देंगे। इसमें हम कोई बल नहीं देंगे। ये देखिए, ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हर स्टेप आ जाता है। चेन भी आ गई, ये देखिए स्लिप स्टिच भी आ गया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया भी आ जाएगा, उसके बाद सिंगल क्रोशिया आ जाएगा, उसके बाद दो बल लेके भी कैसे बनाना है वो भी आ जाएगा। इसलिए इसमें बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो सीखे हुए हैं उनको तो ये सब बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो तो बना लेते हैं। खाली जो बिगनर्स हैं जिन्होंने कभी नहीं बनाया होता उनके लिए थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन एक बार जब बनाने लग जाते हैं तो उनको भी आ जाता है, तो फिर कोई हार्ड नहीं रहता है क्योंकि तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हार्ड हो। इंसान चाहे तो सब कुछ सीख सकता है। देखिए, अभी यहाँ से अभी हम देखिए अभी हम लास्ट में हम बाकियों में हम जब राउंड बनाते हैं तो उसमें छः बारह नौ दस जितना डालना होता है इसमें हम सर्कल में डाल के इसको खींच देते हैं, लेकिन इसमें हमको खींचना नहीं है। इसको हमको लास्ट तक ऐसे ही रखना है। उसके बाद अभी देखिए, ये हमने लास्ट डाला, अब इसके अंदर ही हमको डालना है और स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। हमको इसको अभी खींचना नहीं है। यहाँ से हम टर्न लेंगे और यहाँ से भी हम ये देखिए, यहाँ से जो पीछे है यहाँ से भी हम एक 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 देखिएगा, यहाँ से भी हम पांच स्लिप स्टिच डालेंगे। एक दो, जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे ही, तीन चार, कोई भी चेन छोड़नी नहीं है। ये देखिए, कोई चेन छोड़नी नहीं है ना हमको यहाँ से, ये देखिए खींचना है यहाँ से कि हम ये देखिए यहाँ से खींच के छोटा हो जाता है इस, ये देखिए यहाँ से खींचना नहीं है। और यहाँ से हमने पांच स्लिप स्टिच डाले, अब हम यहाँ हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, हाफ का मतलब होता है कि एक बार हमने यहाँ हम नॉर्मली यहाँ से ऐसे निकालते हैं फिर निकालते हैं, हमको ये नहीं करना है।
हमको हाफ डालना है। हाफ का मतलब कि हम ये तीन हो गए, तीनों को एक साथ में ही बना देंगे। एक, ये देखिए ये भी हाफ हुआ है, दो, ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाता है। बिगनर्स आराम से सीख भी सकते हैं, मैं बहुत स्लो स्लो बना रही हूँ। देखिए तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, ये हमने दस डाले। देखिए पहले हमने पांच स्लिप स्टिच डाले, उसके बाद दस हमने हाफ डबल क्रोशिया, हाफ, हाँ डबल क्रोशिया डाला। अब हम सिंगल डालेंगे, डबल क्रोशिया डालेंगे सिंगल। ये देखिए ये, इसको भी हम पहले तीन का दो करेंगे, दो का एक करेंगे। फिर से देखिए एक, हम अगली चेन में, इस बात का ध्यान रखिएगा चेन कोई नहीं छोड़नी है, हर चेन में हमको बनाना है। ये देखिए तीन से दो हुए, अब एक हुआ, फिर से वापस ये तीन किए, तीन का दो किए, दो का एक किए। देखिए हमारे तीन हो गए हैं, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। अब हमारा देखिए पीछे कितना रहा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अब हमारे दस बाकी रहे, अभी हम इसमें दो बार बल दे के हम इसको बनाएंगे। देखिए दो बार बल दिए इसे, देखिए फिर से हम बनाएंगे, एक, दो, ये तीन, फिर से हम देंगे, फिर से एक, दो, तीन, फिर एक, दो। देखिए आप पूरा देखेंगे इसको तभी आपको समझ में आएगा, बीच में छोड़ के करेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं स्लिप स्टिच है, कहाँ हाफ डबल क्रोशिया है, कहीं डबल क्रोशिया है, कहीं दो बार बल दिया, कहीं बार एक बार बल दिया। इसके लिए आपको, आप दो ध्यान से एक ही बार में, मतलब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये हमारा पूरा सर्कल हो गया है। ये हमारी लास्ट चेन आई, अब हम इसमें, ये देखिए ये हमारा पूरा हो गया। देखिए नीचे से एकदम पतला है, फिर बड़ा होता होता यहाँ पे आके इतना चौड़ा हो गया। अब हम यहाँ इसको टर्न मारेंगे, एक चेन कर लेंगे। अब हम पीछे से इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए वही हमको, ये देखिए हर चेन में डालना है, हमको बल नहीं देना है, बस इसको इसी से निकाल लेना है। जैसे हम स्लिप स्टिच को जॉइंट से लास्ट में जॉइंट करते हैं, सर्कल पूरा किया और फिर जॉइंट करते हैं, फिर सर्कल पूरा किया फिर जॉइंट करते हैं, ऐसे करके हमको इसको डालना है। देखिए उसी तरह इसको हमको खाली सारी पूरी लाइन को ऐसे ही डाल लेना है। इसमें हाथ टाइट नहीं रखना है, अगर आप ज़्यादा हाथ टाइट कर देंगे तो यहाँ से ऐसे खींचना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ से पीछे वाली चेन से हमको लेना है, आगे से नहीं लेना। ये देखिए आगे से नहीं लेना, ये जो हमारा पीछे का है यहाँ से हमको लेना है, यहाँ से देखिएगा। ये देखिए हमको पीछे से यहाँ से लेना है,
यहाँ से भी हमको पूरी लाइन ऐसे ही कंप्लीट करनी है। फिर हम इसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे। आप चाहें एक ही कलर में बना लें वो भी बहुत सुंदर लगता है, और चाहे दो कलर में बनाएं, दोनों ही दो कलर में, तीन कलर में आपके पास ऑप्शन है। आप जितना चाहें उतने कलर में इसको बना सकते हैं। मल्टी कलर में भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए हमारी लाइन ये भी कंप्लीट होने वाली है। ये हमारी देखिए हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। ये भी हम लास्ट पे आए हैं। देखिए यहाँ पे भी हम इसको यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ पे भी इसको, यहाँ इसको इसके साथ जो हमने सर्कल बनाया है उसके साथ अभी हम इसको ऐसे ही ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। चाहे तो आप दो तीन लाइन एक ही कलर की डाल लें और उसके बाद दूसरा कलर लगाएं। अब देखिए हम टर्न मारेंगे, यहाँ से टर्न मारेंगे और यहाँ से अभी हम दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ से दूसरा टर्न कलर लगाएंगे। यहाँ से भी इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये वाला जो धागा है हम उसको खींचेंगे। अब हम जो पीछे वाली चेन है हमारी, ये देखिए पीछे है, उसमें से अभी हम इसमें अभी हम वापस यहाँ से पीछे वाली चेन से, ये देखिए जो हमारी है, यहाँ से अभी हम वापस से हम पीछे वाली जो चेन है उससे वापस पांच स्लिप स्टिच डालेंगे। एक दो, इसको भी हमको पीछे से ही लेना है। तीन, ये देखिए तो हमारी ये जो चेन है बनती जाएगी। चार, ये हमारे पांच हो गए, ये पांच हो गए। अब हम हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए यहाँ पीछे से लेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना है कि पीछे वाली चेन हमको लेनी है। अभी हम यहाँ तीन का एक करेंगे, दस हमने डाले थे अब हम दस ही यहाँ भी डालेंगे। सब वैसे ही का वैसे ही रिपीट होता जाएगा। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, ये दस हो गए हमारे। देखिए ये दस हो गए। अब हम
डबल क्रोशिया डाल 10 डालेंगे, ये 7 8 9 हमने पिंक में भी ये 9 डाला था, अब यहाँ भी हमने 9 ही डाले हैं। अब हम डबल बल देके 10 डालेंगे, ये देखिए बस इतनी सी तो बात है, कुछ ज़्यादा है ही नहीं है। एक इस बात का ध्यान देना है कि लेना हमको पीछे से ही है, आगे वाली चेन नहीं लेनी है। ऐसे ही ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, देखिए ये भी देखो हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये हमारा सेकंड कलर का लाइन भी अब कंप्लीट हो गया है, ये हमारी लास्ट चेन है इसमें। अब हम इसमें ये देखिए यहाँ से अभी हम ये हमारा ये भी लाइन अभी देखिए कंप्लीट हो गई। अभी हम इसको टर्न मारेंगे और जैसे पहले हमने बनाया था वैसे ही अभी हम सब में ये देखिए एक एक स्लिप स्टिच से ऐसे ही इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ से भी हम ऐसे ही पूरी लाइन इसी स्लिप स्टिच से बना लेंगे, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है, छोटी 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 पट्टियाँ सी बनती हैं। ये देखिए ऐसे हमारी ये देखिए चेन आनी शुरू हो गई है। अब हमारा देखिए यहाँ से नीचे से चौड़ा कम है, ऊपर से चौड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे हमारा राउंड बनता जाएगा। आप एक कलर से बनाना चाहें, एक से बनाएं, दो से बनाएं, तीन से बनाएं, जितना आपको अच्छा लगे आप उतने कलर से बना ले बना सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब वापस हम कि ये जो हमारा पिंक धागा है उसको हम इधर पकड़ लेंगे, पीछे करेंगे ताकि उसी में गलत नहीं हो जाए। ये देखिए और ये जो हमारा सर्कल है इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे, इसके अंदर से भी हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर पिंक लेंगे, यहाँ पे भी हम पिंक लेंगे और इसको वापस टर्न मारेंगे और यहाँ से भी हम इसको जैसे भी हमने पहले पीछे वाली चेन से बनाया था वैसे ही अभी हम इसको पीछे वाली चेन से बनाएंगे। अब हम इसको पीछे से फिर से पीछे से ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी लाइन। देखिए हमारी
पिंक की चेन आई थी, अब हमारी ग्रे की चेन बनती जा रही है। हमको इसको ऐसे ही पीछे से ही लेना है और स्लिप स्टिच से सारी लाइन बना लेनी है। ऐसे ही हम इसको ऐसे ही हम इसको पूरी लाइन बना लेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ 5 डाले हैं स्लिप स्टिच से, सॉरी 1, 2, 3, 4 ये हमारे 5 हो गए। अब उसके बाद हम 10 हाफ क्रोशिया डालेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 देखिए जैसे अभी हमने ये लाइन डाली है दोनों, ऐसे ही इसको भी हम 10 बना के पूरा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से धागे को बंद करके काट देंगे। देखिए अच्छा हम उसको धागे को यहाँ से धागा काट देंगे। अब हमारे पास पिंक धागा बचा है, इसको भी हम यहाँ गांठ लगा के इसको भी यहाँ से देखिए हमको सिलाई भी करना है, इसीलिए हम यहाँ से भी इसको काट देंगे। अभी हम इसको यहाँ से देखिए हमने जो पहले मैजिक गांठ लगाई थी, हमने मैजिक गांठ लगाई थी, अब हम उसको यहाँ से खींच लेंगे। यहाँ से हम इसको से खींच लेंगे, ये हमारे यहाँ से टाइट हो गया। ये जो हमने धागा शुरू में रखा था उससे हम इसको गांठ लगा देंगे। इसको हम पहले इसे थोड़ा बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा गैप आएगा, इसके ऊपर हम फ्लावर बना के लगा देंगे। देखिए यहाँ से ये हमारा जितना हमारा ठीक से टाइट हो उतना ही हम इसको टाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं। देखिए यहाँ से इसको हम यहाँ टाइट कर देंगे, यहाँ से टाइट करेंगे। बाद में हम इसको अब हम पिंक कलर का जो धागा है हमने काटा उसको हम धागा डालेंगे सुई में। धागा भी हमने काटा था, यहाँ से हम इसको भी काट देंगे। तो हम यहाँ से इसको ऊपर से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था, यहीं से हम उसकी सिलाई करेंगे। गांठें लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं, और इसको इधर नीचे से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से हम इसको नीचे से ऐसे पकड़ कर इसको यहाँ से नीचे से सिलाई करेंगे। एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर इसके नीचे का टांका लेंगे, एक बार नीचे से लेंगे, फिर एक बार इधर से लेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर यहाँ नीचे से हम लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। सिलाई किया, देखिए अभी हमने सिलाई कर लिया है और हम इसकी जो चुन्नट पड़ी हुई है थोड़ी सी उनको एक जैसा बराबर कर लेंगे। अभी देखिए सिलाई करके आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने कहाँ से सिलाई किया और कहाँ से हमने एक साथ में बनाया है। अभी इसकी जो चुन्नटें पड़ी हुई हैं यहाँ पर तो ये जो है वो एक जैसा आप इसको कर लेंगे। अभी हम इसको अंदर धागे करके इसको पीछे बैक साइड में करके
जितने भी धागे हैं सबको भी हम इसको अंदर की साइड में अंदर डाल देंगे, ताकि हमारा कोई भी धागा हमको यहाँ बाहर दिखे नहीं। देखिए ये बैक साइड में हम सारे धागे कर देंगे। इसको हम यहाँ पहले थोड़ा पक्का कर देंगे। ऐसे ही हम इन धागों को भी ऐसे ही पक्का कर देंगे, इसको भी डाल के। ऐसे ही इनको भी हम अंदर की साइड करके ये धागों को भी हम नहीं ज्वाइंट करके अंदर कर देंगे। देखिए हमारा आपको ये थोड़ा सेट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा सर्कल हो गया है। अब हम इसको एक यहाँ फूल लगाएंगे और हम इसके साइड का ये देखिए यहाँ पे भी हम इसको किनारे पे थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए पहले हम इसे गांठ लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप कहीं से भी राउंड है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यहाँ से भी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्ट करेंगे। देखिए एक दो और तीन गांठ लगाएंगे और इसको सॉरी तीन चेन बनाएंगे और इसको हम यहाँ पे वापस इसके अंदर से वापस से हम इसको निकालेंगे। फिर हम समय एक दो तीन चार चार चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ऐसे ही हम एक दो तीन और ये चार और इसको यहाँ पे भी हम इसके अंदर से हम ज्वाइंट करेंगे। पांच चेन बनाएंगे और इसके जो है हमारा ये चेन है इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऐसे हम बनाएंगे। फिर एक दो तीन चार पांच पांच बनाएंगे फिर इसके अंदर से निकालेंगे। फिर पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच फिर यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ही हम अपना पूरा सर्कल बना लेंगे। हमने चारों तरफ इसका पूरा राउंड में हमने पांच पांच चेन डाल के सबके ऊपर ये देखिए यहाँ पे अभी हमने सबके ऊपर स्टिच इसको जोड़ दिया स्लिप स्टिच से। ये देखिए हमने पूरा सर्कल में ये देखिए हमने पूरा सर्कल में इसको बना लिया है। देखिए अभी हम इसको यहाँ ज्वाइंट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे अभी हम यहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ स्टार्ट किया था तो यहीं हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ नेक्स्ट बनाएंगे और धागे को यहाँ साथ में ले लेंगे। अब एक दो और तीन ये देखिए यहाँ से अभी हम एक दो तीन चार
चार हमने ली। देखिए एक ये साथ में चेन को भी गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हुआ। उसके बाद हम इसको तीन चेन करेंगे और यहाँ से देखिए ये जो हमने लिया है यहाँ से इसको मिला के इसको यहाँ पे इसे बना देंगे और वापस हम फिर से पाँच डालेंगे, एक दो तीन चार ये पाँच, ये हमने देखिए एक में हमने दस दस डाल दिया है, पाँच हमने इधर डाले पाँच इधर डाले। अब हम यहाँ इसको फिर से ज्वाइंट कर देंगे, ये देखिए इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब वापस हम यहाँ पर वापस फिर से ऐसे ही डालेंगे, दस डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच डाला। फिर हम तीन चेन डालेंगे जैसे पीछे वाले में डाली और इसको यहाँ से ये देखिए यहाँ से और ये दोनों को हम फिर पाँच अब डालेंगे, पाँच एक दो तीन चार, ये हमने पाँच, हमारा एक एक इसमें दस दस हो गया। देखिए पहले हमने पाँच डाला, एक दो तीन चार पाँच, फिर ये ऊपर किनारे बनाई फिर पाँच डाला। अब हम इसको यहाँ से इसको ज्वाइंट करते हैं, ये देखिए ऐसे हमारे आता जाए। अब हम बना लेते हैं। क्या बन क्या किया देखिए, ये हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। ये बनाने से कितना सुंदर लगता है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन किनारे बनाने से बहुत सुंदर लगने लगा। अब हम देखिए लास्ट में आ गए हैं। अब ये हम यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर हम लास्ट में इससे बनाएंगे। अब हमने यहाँ तीन चेन डाली थी, अब यहीं से हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको धागे को काट यहाँ से काट देंगे। देखिए अभी हम यहाँ से इसको धागे को काट देंगे। अब हम इसको अंदर की साइड में इसको पैक कर देंगे ताकि ये धागा बाहर की तरफ हमारा दिखे नहीं। तो देखिए यहाँ से अभी हम इसको अंदर की साइड में करें, यहाँ से हम उसको लक्ष्य धागा है उसको काट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बीच का फूल बनाएंगे। देखिए बीच का फूल बनाने के लिए फिर से हम वापस मैजिक गांठ लगाएंगे, यहाँ से भी हम कि मैजिक गांठ के लिए भी हम सर्कल बनाएंगे, यहाँ से भी हम इसको चेन डालेंगे। अब हमने जैसे यहाँ पे ये सब बनाया है वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। पहले एक दो तीन चेन डाली, उसके बाद हम वापस इसमें ऐसे ही दस दस का इसमें बनाएंगे।
एक दो तीन चार पाँच, पाँच बनाए, उसके बाद फिर हम दो तीन बनाए चेन बनाएंगे और हम ये चेन जो है इसके अंदर से निकाल लेंगे, ये वापस हम इसमें डबल क्रोशिया पाँच पाँच हमने इधर डाला था, पाँच डबल क्रोशिया हम यहाँ डालेंगे। तीन चार पाँच, उसके बाद हम इसको यहाँ फिर से स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे जैसे उसको जोड़ा था, फिर से वापस डाल लेंगे इसको, थोड़ा हम थोड़ा खींच के इसको बड़ा करेंगे, ये देखिए दो तीन चार पाँच, एक दो और एक तीन डाले चेन, तीन चेन डाली हमने, पांच डीसी डाले, उसके बाद तीन चेन डाली, उसके बाद वापस इसको स्लिप स्टिच से किया, अब वापस हम इसको फिर से पांच डबल क्रोशिया डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो वापस यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर हम पाँच डालेंगे, दो तीन चार पाँच, एक दो और एक तीन, तीन चेन डाली, उसके बाद वापस इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया और वापस हम इसमें पांच डबल क्रोशिया डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच, उसके बाद वापस तीन चेन डालेंगे, एक दो दो और ये तीन, तीन चेन डाली हमने, उसके बाद वापस इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर पांच, देखिए इसको हम थोड़ा खींच लेते हैं धागे को, फिर पांच डालेंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार
पाँच, ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से खींच देंगे। यहाँ से हम इसकी रस्सी अच्छे से खींच के टाइट कर लेंगे। ये जो हमारा फूल है, ये देखिए ये हमारा फ्लावर यहाँ से तैयार हो गया। अब हम इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी हम इसको, अब हम इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से भी ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से धागा काटा, यहाँ से भी हम इसको यहाँ से धागा निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे, देखिए खुला अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए भी हम यहाँ पर इसको ज्वाइंट करते हैं। ऐसे यहाँ ज्वाइंट करेंगे, हम इसको यहाँ पर नीचे से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से भी हम इसको सिलाई कर लेंगे। ताकि ये जो हमारा होल है वो कवर हो जाए। ये हमने यहाँ से ज्वाइंट कर लिया है, ज्वाइंट किया। अब हम इसको धागा नीचे करेंगे और ये वाला धागा भी जो है वो भी हम नीचे निकाल लेंगे। ये वाला धागा भी नीचे निकाल लेंगे, नीचे की साइड में ले आएंगे। और यहाँ पर हमारा सेंटर में है, फूल लग गया है, फूल हो गए हैं। और यहाँ पर एक मोती लगा देंगे ताकि ये हमारा फ्लावर सुंदर लगे। यहाँ पर भी हम इसको मोती से लगा के अच्छे से इसको पैक करते हैं। देखिए पीछे से हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही हम इसको भी यहाँ से ज्वाइन करके इसको भी अंदर से बंद कर, देखिए हमने यहाँ मोती लगा दिए हैं और ये हमारा थाल पोश एकदम से तैयार हो गया। ये देखिए ऐसे, देखिए कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है। बहुत इजी है, आप बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की हर जो भी नई वीडियो डले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और देखने के लिए थैंक्स।